क्या 1 रुपये 1 US डॉलर के बराबर हो सकता है? अगर हाँ तो इससे हमारी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा इन दोनों करेंसीज के वैल्यू सेम हो जाए तो? दोस्तों आज की डेट में इंडियन करेंसी की वैल्यू 1 US डॉलर के बराबर में 79 रुपीज़ है। दोस्तों जब से देश आज़ाद हुआ है तब से इंडियन करेंसी की वैल्यू और डाउन होती रही है। ऐसा क्यों हुआ और क्या होगा अगर हम 1 रुपये और 1 डॉलर को बराबर कर दे तो? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अमर और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अमन टेक में। तो दोस्तों एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं। किसी भी दो करेंसीज के बीच में जो कन्वर्सेशन रेट होता है जिसे एक्सचेंजिंग रेट कहते हैं, ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और मैनेज्ड एक्सचेंज रेट। दोस्तों यहाँ पर नंबर 1 में है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। दोस्तों इसका मतलब यह है कि जो कंट्री की गवर्नमेंट है वो ये डिसाइड करेगी कि कंट्री का जो कन्वर्सेशन रेट है या फिर एक्सचेंज रेट है वो क्या होगा। दोस्तों दूसरे नंबर पर है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। इसका मतलब यह है कि मार्केट में जो सप्लाई और डिमांड है उसके हिसाब से करेंसी का एक्सचेंज रेट बदलेगा। दोस्तों सप्लाई और डिमांड के ऊपर नीचे होने की वजह से करेंसी की भी वैल्यू ऊपर नीचे होती है। जैसे कि आज के डेट में हर कोई US डॉलर को ख़रीदना चाहता है, इसलिए उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है। दोस्तों तीसरे नंबर पर है मैनेज्ड एक्सचेंज रेट। कुछ कंट्रीज़ क्या कहती है कि हाँ ठीक है, हम मार्केट के सप्लाई और डिमांड के हिसाब से अपने करेंसी के वैल्यू को ऊपर नीचे होते रहने देंगे, लेकिन एक लिमिट तक। हम एक लिमिट सेट कर देंगे कि 5 या 10% से ज़्यादा करेंसी की वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ को कहते हैं मैनेज्ड एक्सचेंज रेट। दोस्तों रियलिटी में बहुत से रीजंस है करेंसी के वैल्यू ऊपर नीचे होने में, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, इन्फ्लेशन रेट्स, एक देश में मैन्युफैक्चरिंग कैसी हो रही है, देश कैसा प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है, देश का इंपोर्ट कैसा है, एक्सपोर्ट कैसा है, इन सभी चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है देश की करेंसी की एक्सचेंज रेट पर। दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि 1970s से पहले अधिकतर देशों में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हुआ करता था। इंडिया में भी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट था। दोस्तों 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तब एक्चुअल में 1 इंडियन रुपीज़ की वैल्यू 1 US डॉलर के बराबर में ही थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इंडियन रुपीज़ की वैल्यू इतनी डाउन होती चली गई? दोस्तों 1950s के टाइम गवर्नमेंट ने बहुत सारा पैसा खर्च किया देश की डेवलपमेंट पर उतना ज़्यादा पैसा कमाया नहीं, इसलिए बाहरी देशों से लोन ले लिया। अब दोस्तों यहाँ की गवर्नमेंट के पास उतना पैसा तो था नहीं कि उन लोन्स को चुका पाए, तो गवर्नमेंट ने इंडियन रुपीज़ की वैल्यू को ही डाउन कर दिया। अब यहाँ पर सरकार ने खुद से ही करेंसी की वैल्यू को डाउन किया है, तो इसे हम कहेंगे डिवैल्यूशन। और अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से करेंसी की वैल्यू डाउन होती है तो इसे हम कहेंगे डिप्रिसिएशन। अक्सर लोग डिप्रिसिएशन और डिवैल्यूशन में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, हालांकि इनका कंक्लूजन सेम ही होता है पर मतलब अलग होता है। दोस्तों 1973 में इंडिया में एक ऑयल क्राइसिस आया था जिसकी वजह से इंडियन करेंसी की वैल्यू और डाउन हो गई थी। उसके बाद 1990 आते आते 1 US डॉलर की वैल्यू इंडियन रुपीज़ में 70 रुपीज़ के लगभग में हो गई थी। दोस्तों 1991 में देश की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा झटका लगा। दोस्तों देश में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुई और 1994 तक देश के करेंसी की वैल्यू को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पर रख दिया गया, जिससे कि जो भी सप्लाई और डिमांड मार्केट में होता था उसी के हिसाब से करेंसी की वैल्यू ऊपर नीचे होती थी। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आज के दिन भी 1 रुपीज़ 1 US डॉलर के बराबर में होता है तो क्या होगा? सबसे पहली बात यहाँ पर ये कि ऐसा होना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन हाइपोथेटिकली अगर हम देखते हैं, अगर ऐसा होता है तो आपके लिए फॉरेन कंट्रीज़ में वेकेशंस मनाना आसान हो जाएगा। जब भी आप यूरोप और USA में वेकेशंस मनाने जाते हैं तो आपको उतना ज़्यादा पैसा स्पेंड नहीं करना पड़ता, बल्कि लाखों की जगह हज़ारों में ही आपका बिल आ जाता। आप बड़े आराम से एक लग्जेरियस वेकेशन बना पाते। पेट्रोल के दाम भी बहुत ज़्यादा सस्ते हो जाते हैं, लग्जेरियस सामान भी आपको सस्ते दामों में मिलने लगता। तो दोस्तों अभी जो मैंने आपको बताया कि 1 रुपीज़ अगर 1 US डॉलर के बराबर में होता है तो वाह कितना कुछ आसान हो जाएगा, सभी चीज़ें कितने सस्ते दामों में मिलेगी, ज़िंदगी एकदम आसान हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा एक्चुअली में होता है तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में नहीं आएगी। फॉरेन कंट्रीज़ इंडिया में इन्वेस्ट क्यों करती है? वो इसलिए करती है क्योंकि इंडिया में उन्हें चीप लेबर मिलता है, इंडिया में लोगों को इम्प्लॉय करना काफ़ी सस्ता पड़ता है। चलिए दोस्तों एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए कि एक अमेरिकन कंपनी है, वो अपने अमेरिकन लेबर को $35,000 पर ईयर के हिसाब से सैलरी देती है, और वही कंपनी एक इंडियन लेबर को भी उतना ही पैसा देती है, तो क्या फ़ायदा उनका इन्वेस्ट करने पर?
इससे अच्छा वो कंपनीज़ अपने ही कंट्री में लोगों को इम्प्लॉय करेंगी या फिर दूसरे कंट्रीज़ में जाएंगे जहाँ के लोगों को इम्प्लॉय करना एक्चुअल में चीप हो। दोस्तों, इंडिया में अप्रॉक्स 60% GDP कंट्रीब्यूशन आता है सर्विस सेक्टर से, और सर्विस सेक्टर्स 32% एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है इंडिया को। सर्विस सेक्टर्स क्या है? मेनली ये IT सेक्टर से ही बने हुए होते हैं, जो बाहर से कंपनीज ने आकर इंडिया में ऑफिसेज खोले हुए हैं, कॉल सेंटर्स सेटअप कर रखे हैं इंडिया में, और भी बहुत से IT सेक्टर्स में लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिए हुए हैं। अब इन कंपनीज़ को इन सब चीज़ों को मेंटेन करना काफ़ी महंगा पड़ेगा अगर एक रुपये एक US डॉलर के बराबर हो गया तो। दोस्तों, इंडियन लोगों की सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इन कंपनीज़ के लिए, तो ये कंपनीज़ क्या करेंगे कि अपने ऑफिसेज़ को शट डाउन कर लेंगे और इस देश को छोड़कर चले जाएंगे। तो जितने भी इंडियन लोग इन सेक्टर्स में काम कर रहे थे, एम्प्लॉयड थे, वो अचानक से अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, जिससे कि भारी मात्रा में बड़े स्केल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स देखने को मिलेगी इंडिया में। तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि अगर एक रुपये एक US डॉलर के बराबर हो गया तो। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।